नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में एक बार पुनः। मित्रों, एक बहुत ही जाने माने संत थे, अपनी मृत्युशैया पे थे। उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, जाते जाते हमें कुछ अंतिम शिक्षा दे जाए जिस पर हम आजीवन चलें। संत ने अपना मुख खोल दिया। मुख खोला, लोगों को समझ में नहीं आया कि मुंह खोलना अर्थात क्या। संत ने कहा कि देखो, जन्म से ही जिह्वा मेरे साथ थे और अभी मृत्यु तक वो मेरे साथ है। दांत बाद में आए थे और पहले ही चले गए, क्योंकि दांत कठोर हैं और जिह्वा नम्र है। यदि जीवन में सफलता चाहते हो, उन्नति चाहते हो, लोगों के दिलों पर राज्य करना चाहते हो, तो विनम्र बनो। और यही विनम्रता आज का हमारा सुंदर सुवाक्य भी है। आइए सुनते हैं। नमस्कार। जो व्यक्ति नम्रता के आधार पर तालमेल बनाए रखता है, वो व्यक्ति महान है। नम्रता को आभूषण कहा गया है। ह्यूमैनिटी इज ग्रेट पावर। नम्रता एक ऐसा आभूषण है जो बहुत अहंकार वाले व्यक्ति को भी झुका देता है। वो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है। नम्र होकर माफ़ी मांग लेना एक बहुत बड़ी विशेषता है और हमारे मन को वो बहुत ही सुकून और शांति प्रदान करती है। और साथ ही साथ तालमेल की अगर बात की जाए, तो आज जब टकराव होता है संबंधों में और हर एक व्यक्ति ये समझ लेता है कि मैं ही ठीक हूँ और कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं होता है, तो उस समय हमारे जीवन के अंदर उलझन बढ़नी शुरू होती है। अगर हमारे जीवन के अंदर नम्रता है, तो हम उस समय चुप रहकर भी उस बात को आगे बढ़ने से रोक लेते हैं, यानी कि हम नम्र बन जाते हैं। हमारे सामने इतिहास साक्षी है कि जितने भी महापुरुष हुए, उनके जीवन में नम्रता रूपी आभूषण था। तो आइए आज से हम और अधिक नम्र बने और अपने संबंधों में और अपने जीवन में और अधिक तालमेल को बढ़ाएं। तो मित्रों, विनम्र बने, क्योंकि विनम्रता हमें दूर तक ले चलती है। जैसे एक नन्हा सा पौधा तूफान में झुक जाता है, सर्वाइव कर जाता है, एक वृक्ष जो झुकता नहीं वो उखाड़ दिया जाता है। क्यों ना हम अपने जीवन में इस सुंदर गुण को धारण करते चलें। और ये मित्रों हमें हमारे कार्यों में, हमारे संबंधों में भी बहुत बहुत मदद करता है। कार्यों को सहज करने में, हल्का करने में मदद करता है। एक होता है कि कार्य बहुत ज़्यादा है तो उसका प्रेशर हमारे ऊपर आने लगता है। यदि हम कुछ सुंदर गुणों को अपने जीवन में लेकर चलते हैं कि मुझे हल्का रहना है, अपने कार्य को एंजॉय करना है, विनम्रता पूर्वक सबसे व्यवहार करते हुए अपने कार्य को कराना है, तो वर्क का प्रेशर आपके मन पर प्रेशर नहीं डालेगा। तो कैसे आप कार्य के प्रेशर से अपने मन को बचाए रख सकते हैं, आज डॉक्टर गिरीश पटेल जी इस पर ही सुंदर प्रकाश दे रहे हैं। नमस्कार। वर्तमान समय वर्क प्रेशर बहुत बड़ा है, किसी भी क्षेत्र में आप है, और उसी के कारण व्यक्ति पर दबाव आता है। वह चिड़चिड़ा हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार होता है, बहुत सारी समस्याएं होती है। इसको कैसे हम हैंडल करें, क्योंकि वह काम तो रहना है। तो सबसे पहली बात है कि कार्य को आप इंजॉय करना सीखो।
क्योंकि हार्डवर्क वो स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस तब होता है जब आप प्रेशर को फील करते हो। तो इसलिए अगर आप काम को एंजॉय कर रहे हैं तो कोई प्रेशर नहीं आएगा। दूसरी बात कि भल प्रेशर है परंतु अंत में उससे क्या प्राप्ति होने वाली, आउटकम क्या है, उसके बारे में सोचो, उसको फील भी करो, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी न्यूरोकेमिस्ट्री छिपी हुई है। कि कोई भी कार्य आप करते हैं जब वो अच्छे से पूरा होता है तो डोपामाइन रिलीज होता है। आपने सुना होगा डोपामाइन बहुत ही अच्छा केमिकल है कि जो एनर्जी देता है हमें। तो डोपामाइन को बढ़ाना है तो भी एक तरीका है। और तीसरी बात यह है कि कई बार ना कहना भी सीखो। भल उसका भी एक तरीका है कि ना कैसे कहे, परंतु जब संभव ना हो तब प्रेशर फील करने के बदले कोई ना कोई सही तरीके से हमें ना कहना भी आना चाहिए। ओम शांति। मित्रों कहते हैं अगर खुद पर हो विश्वास और खुदा पर हो आस्था, फिर चाहे कितनी भी आ जाए मुश्किलें, मिल ही जाता है रास्ता। सचमुच अपने ऊपर विश्वास रखना और खुदा पर आस्था रखना ये जीवन को बहुत सहज कर देता है। जिस वर्क प्रेशर की हम बात कर रहे थे यहाँ पे भी ये बहुत मदद करता है। और ऐसी ही सुंदर अनुभूति करते हैं शिखर पर विराजित लोग। यदि आप उनके जीवन को देखें तो वो बहुत हल्के फुल्के ही रहते हैं, क्योंकि शायद उन्होंने अपने कार्य को मैनेज करना सीख लिया है और साथ ही साथ अपने जीवन में कहीं ना कहीं अध्यात्म को अपनाया ज़रूर है, क्योंकि अध्यात्म ही तो वो बल है, वो मूल है जो आत्मा को शक्ति देता है, आगे से आगे बढ़ाता है। आइए देखते हैं आज कौन महानुभाव अपने सुंदर अनुभव के साथ हमारे साथ हैं। ब्रह्मा कुमारी का सबसे बड़ा मंत्र है शिव का संदेश जी। जैसे दे सकते वैसे देना चाहिए। मेरी अनुभूति की अगर आप बात करेंगे, मैं तो बचपन से ही ब्रह्मा कुमारी के कार्य के बारे में, उनके मैसेजेस के बारे में सुनता आया हूँ। जितना मैंने सुना था उससे बहुत 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 ज्यादा है। मैं ज्यादा बहुत नहीं लगा सकता। भारत के जीवन को देखें, अपने जीवन को देखें, तो हमें महसूस होता है कि हमारे अंदर, हमारे हमारे देश में ये ताकत है, लेकिन महसूस और एहसास नहीं करते हम। हम अपनी सॉफ्ट पावर का एहसास नहीं करते, हम ब्रह्मा कुमारी का एहसास नहीं करते, हम इंफोसिस का एहसास करते हैं। हमें ब्रह्मा कुमारी का भी एहसास करना है। हमें जियो भी चाहिए तो साथ में हमें स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए। तो महत्वपूर्ण ये है। तो जीवन एक तरफा नहीं हो सकता, जीवन एक तरफा नहीं हो सकता कि आप टेक्नोलॉजी की भागम भाग में लगे रहें और बाकी चीजें ना सोचें। सोचना वो भी जरूरी है। देखिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है इस देश में। ब्रह्मा कुमारी ने एक बड़ा काम किया है और उसके बाद योगा को दुनिया ने माना है। तो मुझे लगता है कि पेशेंस मैं यहाँ से सीख के जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि लोगों को भी सीखनी चाहिए। और ब्रह्मा कुमारी, आई वॉन्ट टू यूज दिस प्लेटफॉर्म टू से, शिद्दत से कहना चाहता हूँ, ब्रह्मा कुमारी इस देश में बहुत बेहतर काम कर रही हैं। देश के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए ये बड़ा जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। ये देश वाकई शुक्रगुजार है इस संस्था का कि जो इस देश की आइडियोलॉजी है, अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी बहुत आगे बढ़ाते हैं लोग, लेकिन इस देश की आइडियोलॉजी बढ़ाने में ब्रह्मा कुमारी का कोई तोड़ नहीं है। मित्रों ब्रह्मा कुमारी एक सुंदर मंत्र लेकर चल रही हैं सारे संसार के लिए कि सर्व के सहयोग से हमें सुखमय संसार बनाना है। और इसमें सभी लोग आ जाते हैं, हर वर्ग आ जाता है, हर उम्र के लोग आ जाते हैं। और इनमें भी विशेष ध्यान दिया जाता है ब्रह्मा कुमारी के द्वारा बच्चों के ऊपर, क्योंकि बच्चे ही तो हैं जो आने वाले कल को उज्ज्वल बनाने वाले हैं। हम उन्हें कैसे गढ़ते हैं उसी के आधार पर हम कल को देख सकते हैं। इसीलिए सुंदर समर कैंप के भी आयोजन जगह जगह पर, अलग अलग सेवा केंद्र पर किए जाते रहते हैं। ऐसा ही समर कैंप आयोजित किया गया और उसका सुंदर समापन किया गया
शांति सरोवर रायपुर में। आइए देखते हैं उसकी एक सुंदर झलक। ब्रह्मा कुमारीज रायपुर शांति सरोवर द्वारा आयोजित प्रेरणा समर कैंप का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ समापन हुआ। समापन समारोह में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रदीप गुप्ता, एडिशनल कलेक्टर उज्जवल पोरवाल और ब्रह्मा कुमारीज इंदौर जोन प्रभारी क्षेत्रीय निदेशिका ब्रह्मा कुमारी कमला दीदी ने विजय प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रदीप गुप्ता ने कहा, मोबाइल एक बड़ी अजीबोगरीब आदत बन गई है, बच्चे उसको छोड़े बिना न खेलते हैं, न खाते हैं, न सोते हैं। जो वैल्यूज, जो गुण हम आप अभिभावक के रूप में चाह रहे हैं, उसका एक काउंटर के रूप में ये मौजूद है। एडिशनल कलेक्टर उज्जवल पोरवाल ने शुभकामनाएं देते हुए कहा, यदि हम सिर्फ शिक्षा पर फोकस करें, कंपटीशन पे फोकस करें, रैट रेस पर फोकस करें, तो उससे यही होगा, हमें टेक्निकली साउंड लोग तो मिलेंगे, हमें विद्वान लोग मिलेंगे, लेकिन वो अपनी विद्वत्ता, अपनी नॉलेज, अपनी ज्ञान का कैसे उपयोग करेंगे, ये उसकी हम कोई गारंटी नहीं ले सकते। तो बच्चों को हम यदि योग सिखाएंगे, राजयोग सिखाएंगे, तो ये सिर्फ अध्यात्म से जुड़ा नहीं है, नैतिक मूल्य से जुड़ा नहीं है, बल्कि उनको कर्म करने में, उनको कर्म एफिशिएंटली करने में मदद करेगा। क्षेत्रीय निदेशिका ब्रह्मा कुमारी कमला दीदी ने अपने आशीर्वचन में कहा कि बच्चों को सबसे ज्यादा प्रेरणा माता पिता से मिलती है, उनको देखकर वह वैसा ही बनने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आकर उन्होंने ये सीखा कि जो कर्म मैं करूँगी मुझे देखकर अन्य लोग करेंगे, इससे उन्हें अपने कर्मों पर बहुत अटेंशन बना रहता है। उन्होंने समारोह में उपस्थित माता पिता से अनुरोध किया कि अपना समय टीवी और मोबाइल में व्यर्थ नष्ट करने की बजाय बच्चों के संग बांटें, ताकि बच्चों को प्यार मिले और अपनापन पैदा हो। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब परमात्मा को क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि परमात्मा हमारी कमियों को नहीं देखते, हमारी खामियों को नहीं देखते, बल्कि हमारी विशेषताओं को देखते हैं, हमारे गुणों को देखते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं और हमारी खामियों को निकालने में मदद करते हैं। इसीलिए हम उनसे बेहद प्यार करते हैं, उनके समीप रहना चाहते हैं, और कोई हमें साथ नहीं देता तो हम उनके पास ही जाकर बैठ जाते हैं। रीज़न ये है, क्यों ना हम भी अपने पिता परमात्मा के इस गुण को आत्मसात करें, हम भी दूसरों की विशेषताओं को देखें, गुणों को देखें, उसका ही बखान उनके साथ भी करें और औरों के सामने भी करें, और उनकी जो थोड़ी बहुत कमी कमजोरियां हैं उन्हें दूर करने में हम उनकी मदद करें, एक अच्छे शुभचिंतक मित्र बनकर, तो हम भी परमात्मा पिता के समान उनके प्यारे बन जाएंगे। है ना, बहुत सूक्ष्म और गहन सी बात। इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा और अपने जीवन में आत्मसात कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।